उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज नगर कोतवाली क्षेत्र की राज मार्केट में खाद्य विभाग ने फूड सप्लीमेंट की दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में दो दुकानों से भारी मात्रा में मिलावटी चटनी और एक दुकान से नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं, जिसमें ड्रग एक्ट के तहत एक दुकानदार को हिरासत में भी ले लिया गया है। बरामद चटनी के सैंपल भी लिए गए हैं, जिन्हें जाँच के लिए लैब भेजा जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर जगवीर सिंह ने एक दुकानदार शाह वकार को ड्रग एक्ट में हिरासत में लिया है। वहीं खाद्य अधिकारी विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फूड सप्लीमेंट में स्टेरॉइड मिलाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते आज दो जगह छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में चटनी बरामद हुई है। ये फूड सप्लीमेंट में स्टेरॉइड मिलाने की शिकायत हमें मिल रही थी, तो इस पर हमने यहाँ पे दो जगह छापा मारा है और यहाँ से भारी मात्रा में हमें चटनी बरामद हुई है। हाँ, इसमें अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई लेबल नहीं है, हमने इसे लैब के लिए जांच के लिए भेज रहे हैं। अगर इसमें स्टेरॉइड पाया जाएगा तब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऑथराइज नहीं है, ऐसी चटनी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। अभी हम लोग फूड एक्ट में इनके सैंपल लिए गए हैं और जितनी चटनी है वो बरामद कर ली गई है। साथ ही हमने ड्रग इंस्पेक्टर को भी साथ में लिया हुआ है और उन्होंने कुछ दवाइयाँ नशीली संभावना है कि ऐसी हैं, तो उनको भी जब्त करके आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी एक साथ दो दुकानों पर एक साथ कार्रवाई है, यहाँ पर बिल्कुल चलेगी, अगर ये चीजें मिलती रहेंगी कार्रवाई चलती रहेगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट।